आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अपने फ़ोन पर जिप फाइल को कैसे किसी वेबसाइट या जीमेल से डाउनलोड करते हैं और उसको अपने फ़ोन में किसी फोल्डर में कैसे कन्वर्ट करते हैं और कैसे ओपन करते हैं। आज के इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। जिप फाइल से रिलेटेड हमारे चैनल पर दो वीडियो पहले ही अपलोडेड हैं, आप उन्हें जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फाइल मैनेजर, मैं अपने फ़ोन का फाइल मैनेजर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं कोई एक फोल्डर को मैं जिप फाइल में कन्वर्ट करके अपनी जीमेल आईडी पर उसको सेंड कर दूंगा। तो चलिए हम इस फॉन्ट के नाम के ऑप्शन को, फॉन्ट नाम के फोल्डर को हम इसको जिप फाइल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको हमें थोड़ी देर टैप करके होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद हमें यहाँ मोर का ऑप्शन दिखेगा नीचे, हमें यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें इसको कंप्रेस कर देना है। जैसे हम कंप्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए हमें दिखा रहा है आप इस फाइल का जिप फाइल का नाम यही रखना चाहते हैं कुछ और, हम यही रख देते हैं फॉन्ट्स डॉट जिप। इसको ओके कर देना है। जैसे हम ओके करेंगे तो देखिए नीचे यहाँ पर हमें जिप फॉन्ट डॉट जिप फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब हम इसको अपने जीमेल पर भेज देते हैं। भेजने के बाद वहाँ से फिर हम इसको डाउनलोड करके फिर इसको ओपन करेंगे कि हम कैसे डाउनलोड करके ओपन कर सकते हैं अपने फ़ोन पर। तो चलिए हम इसको सेंड कर देते हैं। हमने इसको यहाँ पर टिक किया, सॉरी, हमने इसको थोड़ी देर होल्ड टैप करके होल्ड किया। होल्ड करने के बाद हमें यहाँ पर देखिए सेंड टू का ऑप्शन दिख रहा है। सेंड का हमें सेंड पर क्लिक करना है। सेंड पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ दिख जाते हैं। आप चाहें तो किसी पर भी सेंड कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल जीमेल पर सेंड करता हूँ। जीमेल पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखिए जो हमारी जो जीमेल आईडी है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है जिसके द्वारा हम भेज रहे हैं। और यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ जिस ईमेल आईडी पर मुझे जिप फाइल सेंड करनी है। तो यहाँ पर ये जिप फाइल आ गई। यहाँ पर मैं इसको फॉन्ट नाम से दे देता हूँ सब्जेक्ट, और उसके बाद हमें ऊपर यहाँ पर एक एरो का निशान दिख रहा है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये फाइल हमारी इस जो हमारे जीमेल आईडी पर भेज रहे हैं उस पर सेंड हो जाएगी। देखिए हमने सेंड कर दिया है। अब वापस जाते हैं। वापस जाने के बाद अब मैं अपने जीमेल को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर जीमेल ओपन कर लिया है। जीमेल ओपन करने के बाद मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, देखते हैं कि अभी ये फाइल सेंड हुई या नहीं हुई। ये देखिए जो हमने जो फाइल सेंड की थी वो यहाँ पर देखिए वो यहाँ पर आ चुकी है। देखिए अब हम इसको यहाँ पर कैसे डाउनलोड करते हैं और इसको कैसे ओपन करते हैं अपने फ़ोन में, आइए सीख लेते हैं। तो हमें इस पर टैप करना है एक बार। जैसे हम टैप करेंगे तो ये जो जीमेल आया था हमारे जीमेल अकाउंट पर वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद हमें इसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे हम इस पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। आप इसको स्क्रॉल करके यहाँ देख सकते हैं, डाउनलोडिंग चालू है। देखिए यहाँ पर ये डाउनलोड हो गया है। डाउनलोड होने के बाद हमें इस पर क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने दो ऑप्शन आ जाते हैं, एक कॉपी टू और एक्सट्रैक्ट फाइल टू। आप चाहें तो एक्सट्रैक्ट फाइल टू भी कर सकते हैं। मैं कॉपी टू पर क्लिक करता हूँ। कॉपी टू पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर कुछ और ऑप्शन दिखाई देते हैं, आप इस फाइल को कहाँ पर कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं। तो मैं इंटरनल शेयर स्टोरेज पर क्लिक कर देता हूँ। जो हमारे फाइल फ़ोन की स्टोरेज है इंटरनल, उसी पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर आप चाहे तो कोई एक नया फोल्डर क्रिएट करके उसमें पेस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ये जो डाटा फोल्डर है इसको ओपन कर लेता हूँ। इसको ओपन किया, आप देखें यहाँ पर कोई भी अभी फ़िलहाल कोई भी जिप फाइल नहीं है। मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के लिए देखिए आपको यहाँ पर नीचे पेस्ट दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पर इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए हमारी जो फाइल है वो यहाँ पर पेस्ट हो गई है सक्सेसफुली। तो अब इसको हम किसी फोल्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो हमें इस फाइल को एक बार टैप करना है। टैप करने के बाद हमें यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शन दिख जाते हैं। ये
हमें इस फाइल को एक्सट्रैक्ट हेयर करना है, तो एक्सट्रैक्ट हेयर कर देते हैं। जैसे हम एक्सट्रैक्ट हेयर पर क्लिक करेंगे तो देखिए जो हमारा जो जिप फाइल थी फॉन्ट नाम से, वो यहाँ पर एक फोल्डर में कन्वर्ट हो चुकी है। अब फोल्डर को हम ओपन करके देखते हैं। देखिए जो हमारा फोल्डर था वो सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। तो इस तरह से हम अपने फ़ोन में किसी भी जिप फाइल को डाउनलोड करके किसी फोल्डर में क्रिएट करके ओपन कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय। जय हिंद।